Subscribe and click the bell icon for all the television updates. Thank you. You won't believe, mine is an arranged marriage. And जब ये न्यूज़ बाहर आई तो माई फ्रेंड्स एंड एवरी वन दे गॉट अ शॉक कि जय सोनी अरेंज मैरिज कर रहा है. आई सेड या एंड आई मेट पूजा फॉर द फर्स्ट टाइम. एक्चुअली इट वॉज लाइक अ फिक्स्ड मीटिंग फ्रॉम थ्रू माई मॉम एंड मिले एंड मैं थोड़ा सा ऑलरेडी यू नो आई वॉज डन विद द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड एंड अरेंज मैरिज बिकॉज तीन चार मैंने मतलब मॉम ने ज़बरदस्ती जो मुझे लड़कियाँ दिखाई सो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. सो आई थिंक आई थॉट मॉम आई टोल्ड मॉम कि ये मुझसे होगा नहीं. एंड आई वॉज मतलब शूटिंग फॉर माई शो एंड आई वॉज वेरी बिजी. सो मॉम इज लाइक ठीक है तो लास्ट यू नो जस्ट सी दिस लास्ट गर्ल एंड देन आई वोंट फोर्स यू. मैंने कहा फिर दो साल तक मुझे प्लीज़ पूछना भी मत शादी के बारे में. सो मॉम इज सेड ओके एंड आई टुक हाफ डे ऑफ and I went to meet Pooja and I had got delivery of my new bike, my sports bike on the same day. So I was very excited actually to go for my, ride, on my bike. So I was excited for that. I said, okay, I'll meet this girl for half an hour and then I'll go home and take my bike and go for a ride. So I was a little jaldi mein tha. So I went to meet her and she was also in that, okay, yeah, whatever types. And I was like, okay, bola hai to mil lete ek bar. मिल लिया ये वो देन आई वेंट एंड तो पहली मीटिंग वो ओके कुछ ऐसा था नहीं कुछ क्लिक नहीं हुआ था पहली मीटिंग में कुछ क्लिक नहीं हुआ था बट देन वी वर टॉकिंग ऑन द फोन. फिर सेकेंड मीटिंग हुई तो वी वेंट फॉर अ लंच. सो लंच वॉज एक्चुअली लाइक क्योंकि तभी हम थोड़ी ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड कर रहे थे. इट वॉज 2-3 hours वी वर टुगेदर एंड तब थोड़ा सा होता ना कि घंटी बजी थी. सो देन फ्रॉम देर इट स्टार्टेड और मेरा क्या रात रात भर शूट चालू था तो वी यूज टू टॉक ऑन द फोन एंड एक्चुअली सब कुछ बहुत फास्ट हुआ एंड विद इन अ मंथ तो थिंग्स गॉट यू नो फिक्स्ड एंड एवरीथिंग. सो द थिंग इज आई वॉज यू नो इन द फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर. मैंने उसको सब कुछ क्लियर क्लियर बता दिया था. वी वर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस ईच अदर. एंड सेकेंड मीटिंग में जब वी वेंट टू द सेम प्लेस बट दिस टाइम फॉर लंच तो 2-3 घंटा साथ में थे. थोड़ी और बातें हुई हाउ आई केम टू नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज लिटिल बिट आई कुड गेज एंड तो वो था ना कि तभी थोड़ा वो भी थोड़ा मतलब उसमें थी मूड में थी. मैं भी थोड़ा मूड में था. वी वर जस्ट इन नॉट इन दैट हरी. So I felt that okay, something is there, like and she was looking very pretty. She knew she played her cards very well. So ekdam achhi, she was full ready and all. So the kind of girl I wanted, who is very rooted and because I am that kind of person. So yeah, I came to know she's intelligent. She's done law. She is very homely because she knows how to cook. So and intelligent. So I said, okay, what else I can ask for? So we just I said, okay, let's just meet and let's just see how it goes. नहीं उन्होंने अपने मॉम डैड को बताया. मैंने बोला कि बातचीत चल रही है तो एक महीने के बाद उन्होंने बोला कितनी बातचीत चल रही है तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो. सो देन शी सेड कि दे सेइंग कि वी शुड फिक्स एटलीस्ट. और सर हाँ ठीक है. तो एक्चुअली क्या ना मैं शूट में इतना बिजी था कि मैं जोंग्ड रहता था. मेरी नींद पूरी नहीं होती थी तो मैं सब हाँ हाँ ही बोलता था. एंड स्लोली स्टार्ट हैपनिंग एंड जब इंगेजमेंट हुई जब जिस दिन फिक्स हुआ था ना तो और मैं अपने घर आ गया. वी हैड गॉन टू हर प्लेस. और जब मैं घर आ गया तो मैं
बिल्डिंग में नीचे था एंड आई टोल्ड माय मॉम डैड आप ऊपर जाओ मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ. सो तभी मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया, कुछ जल्दी नहीं हो रहा सब कुछ. आई थिंक इट गो यू नो इट हैपेंस विद एवरीवन यू नो दैट यू गेट स्केड कि ओ गॉड. सो वो थोड़ा हुआ था मेरे साथ. तो मैंने सोचा था कि मैं पूजा को बोलूँगा कि यार बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा टाइम लेते हैं और. पर वो वक्त आया ही नहीं. वी जस्ट यू नो वेंट विद द फ्लो. एंड अगर मैंने ज़्यादा सोचा होता ना तो चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ी होती, विच इज़ ऑलवेज वॉज द केस इन मी. सो माई मॉम जो लाइक तू ज़्यादा सोच मत, तू सोचता है ना तो फिर तू रह ही जाता है. सो आई थिंक इट वॉज डेस्टाइंड फॉर अस टू मीट एंड यू नो बी टुगेदर. See, it's ups and downs as in, you know, then she, we are a nuclear family and usko sab kuch akele karna tha, so she was facing ki bhagwan mere ko sab akele karna hai. So, yeah, but I was there to help her. Everyone takes little time to adjust, you know, in the new house and everything. And aur kya tha na ki ek pura ghar, you know, we shopped everything from grocery to everything. So that was a task. But then we both love traveling. So we used to just keep traveling and हम लोग घूमे बहुत घूमे हैं. सो बिफोर माई किड वॉज बॉर्न वी थॉट कि थोड़ा एक दो और कंट्रीज कर लेते हैं. तो शी सेड कि अपना घूमना तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला. सो आई सेड ओके अगेन लेट्स गो विद द फ्लो एंड आराध्या गेम. It's a good feeling. I you know look forward to come back home and just hold her. And she looks at me now. She recognizes me and Pooja. So she looks at me and she, there's a big smile. Even she's sleeping now. She'll open her eyes. She'll see for 3-4 seconds. When she'll understand, oh, it's me. Well, she'll have a big smile. मतलब नींद में भी उसको smile दे देगी मुझे वो. And it's a good feeling. You know, I think it's something which you can. Explain and it is just a you know we've got everything in life and I Pooja complains now ki you love her more. You when you call you know you ask how's Aradhya doing. I said obviously I'll ask for her, no for because she's small, she's young. So yeah, abhi wo to mujhe jhelna hi padega because now there are two girls in my life. Because people don't come to know also that mine is arranged. And now to people don't come to know also, oh, you become a father? Tu to shaadi shuda hi nahi lagta hai. Those who don't know, they said you don't look married, forget about having a kid. So, I think, you know, love marriage or arranged marriage, if it has to happen, it'll happen. And if it has to stay for long, it will stay no matter what. So, yeah. No matter what profession also, I think. Yeah, it doesn't matter. And agar tikna hai to tik jayega, agar nahi tika to love bhi nahi tikega, arrange bhi nahi tikega. So yeah.